हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? और मैं डेली अपने कान्हा जी से प्रेयर करती हूँ कि आप लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं, उन सभी के ऊपर अपना दया बनाए रखिए। तो चलिए अब ब्लॉग को शुरू करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं माला खरीद रही हूँ। आज जो है विश्वकर्मा पूजा है, तो एक छोटा बच्चा लेकर आया था तो मैं उसी से ले ली हूँ। बहुत लोग आए थे लेकिन मैंने सोचा कि इस छोटे बच्चे से ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत उम्मीद से आज के दिन माला लेके घूम रहा था। और हमें वैसे भी छोटी मोटी दुकानों से ही शॉपिंग करना चाहिए, ना कि किसी बड़े मॉल से और ना कि किसी बड़ी दुकान से, क्योंकि हम अगर किसी छोटे दुकानदार से लेते हैं कोई चीज़ ना, तो उनके घर में हमारी वजह से चूल्हा जलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज लोहे की कोई भी चीज़ धुली नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से वैसे ही सड़क मैंने दिखाया है कितना गीला सड़क है। तो सिर्फ मैं पोछ लूँगी बाइक, साइकिल और गेट को सिर्फ मैंने पोछ दिया है, वरना हर साल तो मैं धुल भी देती थी। और फिर मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए और फिर चली गई मैं नहाने के लिए। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? आज जो है ना, दिन है शुक्रवार और डेट है 17 तारीख, विश्वकर्मा पूजा है। तो आप लोग को मेरी तरफ से विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा करें कि आप लोग की ज़िंदगी में हमेशा खुशियां भरती रहें, हमेशा आप लोग के साथ रहें आप लोग को। और मैं अभी नहा के रेडी होके आ गई हूँ। आज मैंने ये मीशो से जो साड़ी मंगाई थी वो वाली साड़ी पहनी है। तो अभी मैं चलती हूँ पूजा करने, पहले पूजा कर लेती हूँ फिर मैं कुछ बनाऊँगी। हाँ, और छबीना है वो तैयारी कर, क्या नहीं है होगा उसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छवि तैयारी कर रही है पूजा की। ये भी आज पूजा करेगी। सभी देखो, हाय बोलो फ्रेंड्स लोग से। तो ये भी पूजा करेगी, तो अभी हम पूजा कर लेते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपनी सिलाई मशीन की पूजा की, जिससे मैं सिलाई करती हूँ, वो भी लोहे का है। कहीं ना कहीं विश्वकर्मा जी मैं मानती हूँ उन्हें, और है भी वो। फिर मैंने इनकी गाड़ी का पूजा किया, और वही स्वास्तिक सब पे मैं बना रही थी, फिर रोड़ी लगा रही थी, अच्छा फूल माला, थोड़ा सा मिठाई भी रख दे रही थी, और गेंदे का फूल लगा दे रही थी, और रुपेश की साइकिल का भी मैंने पूजा कर लिया। लास्ट मैंने गेट का पूजा किया। तो ये देखिए, रुपेश की साइकिल का भी पूजा हो गया है। और फिर मैंने गेट पे पहले जो फ्लावर थे ना गेंदे के, उसको पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी के साइड साइड में लगाकर, और थोड़ा थोड़ा मैंने इधर उधर भी बिखेर दिया कि गेट पे थोड़ा अच्छा लगे। फिर मैंने पूजा किया, स्वास्तिक बनाया गेट पर, क्योंकि स्वास्तिक को हमारे हिंदू धर्म में बहुत अच्छा माना जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि जिनका लोहे का बिजनेस हो वही ये पूजा कर सकते हैं। लोहे का चीज़ तो सबके घर में होता है, तो हम सबको पूजा करनी चाहिए, ये श्रद्धा है हमारी। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूजा कर ली है और अब छवि पूजा कर रही है। मैं दिखाती हूँ, बोल रही है कि मम्मी आपने पूजा कर लिया है, मैं भी पूजा करूँगी। तो ये देखिए अभी छवि पूजा कर रही है। अच्छा है कि बच्चे पूजा करें, धार्मिक बने। बच्चे पूजा करते हैं तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए, उन्हें पूजा करने देना चाहिए। तो ये छवि पूजा कर रही है, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, वो पूजा करते हुए बहुत खुश थी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ना मशीन लगा दी हूँ, देखिए कपड़े वाश हो रहे हैं, और मैं नहा ली, पूजा कर ली, अभी वाश ही हो रहा, अभी टाइम लगेगा, अभी इसमें देखिए 1 घंटा लगेगा, ये देखिए 53 मिनट अभी और लगेगा। तब तक मैं किचन में जाती हूँ, कुछ बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है। अब पूजा करते करते ना मुझे हो गया है, 9 बज गया है पूजा करते करते, तो जल्दी से कुछ बना लेती हूँ। रुपेश गया है दूध लेने। हमारे यहाँ ना सब कुछ आसी पास मिलता है, बहुत दूरी पर नहीं मिलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि रुपेश दूध लेने कहाँ पर जाता है। तो अभी तो चाय नहीं बनाऊंगी, अभी मैं कुछ देखती हूँ, कुछ नाश्ता बना लेती हूँ, फिर मैं चाय बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बन गया रुपेश का नाश्ता, रेडी हो गया, और मैं उसे अब दे देती हूँ। तो रुपेश, ये लो रुपेश, बाल में तेल लगा लेना, कुछ ना खाओ। तो ये देखिए रुपेश का नाश्ता हो गया, बाद में हैंड वॉश करके ही खाना, ठीक ना? तो मैं बाकी रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ रुपेश को ही बना के दे रही थी, लेट हो गया था ना, उसे दवा भी खाना था। तो और ये देखिए देने गई, तब तक ये वाली रोटी देखिए जल गई, रेडी हो गया है। दो रोटी खा, एक रोटी नहीं खा के तभी जाओगी घूमने, वरना हम खेलने जाने देंगे नहीं। जाओ
देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लौकी को ग्रेट करके इसका पानी दो टाइम मैंने पानी निचोड़ लिया है और इसे देखिए मैंने एक अलग बाउल में रख लिया है। बिल्कुल मैंने इसका पानी जो है ना बिल्कुल निचोड़ लिया है और ये मैंने इसके मसाले तैयार किए हैं, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट, अजवाइन, गोल मरीच का पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर, गरम मसाला और ये बारीक कटी हुई प्याज है और ये हरी मिर्च, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। और नमक मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि नमक अगर डाल दूंगी ना तो पानी बहुत ज़्यादा मतलब छोड़ने लगेगा लौकी। जब मैं कोफ्तों को फ्राई करूंगी ना तो मैं पानी इसमें ऐड करूंगी। तो अभी मैं चलती हूँ, इसका जो है बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो प्याज डाल दूंगी, तो मैंने जितने भी मसाले प्लेट में रखे थे ना वो सारे मैंने इस ग्रेट लौकी में डाल दिया है और आधा चम्मच हल्दी डाला और ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो बड़े चम्मच मैंने बेसन डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में नमक डाला है। अब मुझे जो है कोफ्तों को फ्राई करना है तो मैंने लास्ट में नमक डाला है। आप भी इसे बनाइएगा तो लास्ट में ही नमक डालिएगा। और अब मैं इसके बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। आपको जो आकार अच्छा लगे आप उस आकार का बॉल्स बना सकते हैं, तो मैंने कुछ इस तरीके से बॉल्स बनाया है। और अब बारी है फ्राई करने की। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे बॉल्स को गरम तेल में डाल दिया है और इसे लो फ्लेम पे हमें पकाना, हाई पे नहीं पकाना है। अगर हाई पे पकाएंगे तो बॉल्स जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे और लो पे पकाएंगे तो अच्छी तरीके से बॉल्स जो है वो पक जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए कितने अच्छे कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं और इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और इसी तरीके से मैं सारे कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। कोफ्ते फ्राई हो गए हैं तो अभी मैं बर्तन जो है उसे वाश कर लूँगी, क्योंकि अगर किचन में बर्तन भरा रहता है ना तो किचन पूरा गंदा लगता है और सिंक को तो जैसे श्राप ही मिल गया है कि तुम्हें फुल ही रहना है, कभी तुम खाली नहीं रहोगे। तो फ्रेंड्स, मैंने उसी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया। तेल जब गर्म हो गया तो मैंने जीरे से तड़का लगा दिया, फिर मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाला था और अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। बस दो मिनट भून लूँगी, उसके बाद फिर इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मैं चला चला के भूनूँगी। पानी के साथ तो एक दो मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने आधे चम्मच हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच और स्वाद के अनुसार नमक इसमें मिला दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले जो है तेल छोड़ रहे हैं तो मैं इसमें अब कोफ्ते डाल दूंगी और बस इसे दो तीन मिनट और ढक के अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाएंगे ये कोफ्तों के ऊपर मसाले, तो मैं इसे ढक कर बस एक दो मिनट और इसे रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं जितना कड़ी मुझे चाहिए, मेरे हिसाब से जितना मेरे घर में सदस्य हैं उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूंगी। लास्ट में मैं गरम मसाला इसमें डालूंगी और हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और कोफ्ते बनके रेडी हैं। और इधर जो है ना आंच तो हद ही हो गई, वॉशिंग मशीन पूरे 4 घंटे बाद मुझे कपड़े वाश करके दिया, 1 बज रहा था इस समय। फिर मैं निकाल के छत पर गई, सारे कपड़ों को मैंने फैला दिया था। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ये सब करती हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करें। अगर कुछ कम बेसी हुआ हो तो उसे बताएं, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स कोफ्ते जो है कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी आए हो, नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सारे वीडियो को लाइक करिएगा, सारे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये देखिए मुझे कितना पसीना हो रहा है। मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ और अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।